गुड मॉर्निंग कट्टो, क्या बात है, जल्दी उठ गई? रात भर सोई नहीं थी क्या? तुम्हें कैसे पता है? लगता है रात भर इतने ही मंडराते रहे। अरे तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे मेरी जोरा जमीन। आज तो बड़ो आसिकानो मूड हो रहा है। डोकर को हमारी नमस्ते है जी। ये हपुआ नमस्कार कह रहा है? मुझे नहीं करना नमस्कार नमस्कार, बोलने की तमीज तो है नहीं। अरे कौन बेटा बाप को डोकर बोलता है? तुम भी ना, अब डोकर हो तो डोकर ही बुलाएगो ना, लल्ला तो ना बुलाएगो। तुम भी तो अपने पिताजी को डोकर बोला था ते? जब देखो तब उसकी साइड लेती हो और मेरी खामी निकालती रहती हो। क्यों ना ले, हमाऊ हपुआ है राजा बेटा। का ज्ञान पील रही? अरे कच्चू ज्ञान ना पेल रहे, ऐसी बकवास कर रहे बकलोली। आ गो। ना 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 ना, उते ना बैठे, उते तुम्हारे दादाजी बैठे। अरे अरे चमची स्कूल ना जा रहे? वही तो। अरे वो काई ना पापा, पाकू ने रात को बुखार आ गो। अरे हैं? अरे हमारे हीरा को बुखार आ गो। आ जा आ जा आ रही आ रही आ रही। बुखार आ गो? कैसे आ गो? घोड़े पे चढ़ के आ गो। जो लौंडा हमें अम्मा शुरू से पसंद ना है, देख नहीं कैसे जवाब दे रहा है। हम पूछ रहे बुखार कैसे आ गो, कह रहा है ऐसे। दो मिनट में सारे की जबान में सारे जवाब हाजिर रहते हैं। आओ आओ, चलो सामने से हटो, जा अम्मा के पास बैठ। अम्मा ये तुम्हारी कम चीनी वाली चाय। हमारी चाशनी वाली? तुम पागल हो गए का? हमने तुम्हें कब चाशनी वाली चाय दी? और तुम्हें इतनी स्टैंडर्ड की चाय पीनी, खुद ही बना के पी ले, जाओ। अरे वो दादा, अरे वो हो रज्जू को तो तम तम आ जाते। कहाँ जा रही, इतने परेशान ना बन रहो, तुम जा रही दियो। तुम आओ प्रेशर बने चाहे जाए घुइया के खेत में। तुमने जब बात बोली तो बोली कैसे, अब तुम्हें चाय नहीं मिले। बुराई ना कर रहे, ऐसे ही गलती हो गई, अब तो दे दियो दादा, सच में प्रेशर ना आ रहा हूँ यार। दे दे बहू, बा को पेट फूल जाएगो। ए खट्टो, इसे बोलो कि चाय वाय से कुछ नहीं होने वाला, ये खानदानी कब्ज की बीमारी है, बढ़ने के बाद मुझे प्रेशर नहीं आता है, इसे कहाँ से आएगा? और कोई खानदानी गुण ना दे सका था ते? हैं? जे ही दे दी खानदानी कब्जियत। हटे रही? जे ज्ञान पेल रहे कि जे तेरा प्रेशर खानदानी कब्जियत है गो, जे चूरन चटनी से जाएगो, चाय पीने से ना जाएगी। चलो टिफिन अपनो अपनो, चलो चलो बाय बाय। होएगी चलो बाय साहब, बहुत हम ही जाके देखे चिरौरी करे मोहल्ला के कोई लड़का से, घर के आदमी ने तो मेहंदी लगाई लई है ना। तब तो मैंने कौन से हाथ में बड़े तीर कमान उठा रखे। देख रही हम जवर था ना, शुरू से पसंद ना है, तानी मार गई कि नहीं? तने कहूँ देखो कि हमने बढ़िया टिका के आराम कर रहे, बक मतलब खून खोलते हुए देख ना सकती आराम, खुद ना छोड़ सकती है। पापा आप स्कूल तो नहीं जाते, तो एटलीस्ट दरवाजे तक तो छोड़ा उन्हें, आप कहीं जाते ही नहीं हो। ये दरवाजे तक छोड़ देंगे तो कौन सी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी? आ बिमले सोने दो ना। भैया भैया, नॉट बिमलेश, दिस इज कमलेश, प्लीज प्लीज ओपन योर आईज, योर स्मॉल भैया इन फ्रंट ऑफ यू। ओ भैया भैया प्लीज। भाई साहब आप कौन? कैसी बात कर रहे हैं भैया, आप मेरे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भैया। देखिए हम ऐसे कोई राह चलते किसी भी आदमी को ना अपने घर में नहीं घुसने देते, आप बताइए काम क्या है? भैया we want to stay with you again, my papa दोबारा से throwing me from my house, और अब की बार तो without cloth, now me clothless, moneyless, both side भैया please। बस 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 चुप रहो तुम, मतलब समझे हो? मतलब एक तो तुम्हारी जो अशुद्ध आंग्ल भाषा है ना, ये हमारे दिमाग के परखच्चे उड़ा देते हैं, समझ लो एक बार में। चिपचिपो की टाइप का आदमी यार तुम। अरे भैया दया, नहीं नहीं हम खा रहे हैं, हम दया खा रहे हैं, अपना ही घर समझ के तुम, मतलब तो अपना ही घर समझो, वैसे रहो छोटे भाई की तरह रहो, लेकिन छोटे भाई का मतलब है कि बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करो। हाँ। बात सुनो, उनके घर के काम में मदद करो, सेवा करो, हाँ ऐसे ठीक है ना? हाँ जी भैया। भैया बाइक लगा दूं अंदर?
हाँ लगा दो और सुनो उसके बाद जो देखो कितना कचरा फैला है, पूरा गिलास वाला सब उल्टा पड़ा है, ये सब जरा साफ करो। इतना तो तुम्हारे हक की बात है ना छोटे भाई हो, और नास्ता बनाओ बढ़िया से, हम तब तक नहा लेते हैं। हाँ नाश्ते में क्या खाएंगे आप? नाश्ता में फूले हुए पकौड़े खाएंगे ब्रेड टोस्ट के साथ, समझो बना दो, बाइक ले आओ उसके बाद। बताओ को दिखाओ ना रहा है, कैसे भेजे तुम लोगों को स्कूल? हम बताओ जो भूरव ना दिख रहा हो है अब। भूरव कौन है? अरे पुत्तन को बेटा जो इतने बैठा रहा था मजमा लगाए के। अरे हाँ। अरे अरे कमलेश जाओ बच्चन को स्कूल छोड़ो बेटा, बहुत देर हो रही है। नो नो दीदी, मी से सॉरी, मी डिमांडिंग टू यू सॉरी, मीन वेरी बिग प्रॉब्लम, माय पापा थ्रो मी विद कपड़े लेस, मैं खुद वैसे ही बहुत परेशान चल रहा हूं, प्लीज समझा करो। अब बहुत लेट हो रहा है ना, आधी छोड़े आओ बस। प्लीज दीदी मुझे भी बहुत काम करना, आलू काटना है, प्याज काटना, घुइयां काटना, लहसुन काटना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे यार अपने हाथ से उंगली पकड़ के जाओ, घर से कितने बड़े हो रहे यार तुम। अरे ऐसे ना चिल्लाओ छोटे हैं यार, समझा करो, चले जाओ ना यार। तेरी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं जो टेम टेम की बातें कर रहा है, कलेक्टर होगा का उड़े या फटाफट। सर जी प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम प्लीज सर। बैठ जा, अरे चल जा, ज्यादा हमारी खोपड़िया खराब ना कर, नहीं सारी अंडरस्टैंडिंग इतनी निकाल के धर देंगे। लतो घर की गाड़ी है, बैठो लगा फटाफट लगाओ, टेमना है दादा, चलो भागो। सर जी कभी तो समझ जाए करो, सुनो टपक ना जाए। आराम से टपकाए ना दियो, हमारो लोंडा है ना टपकाएगो, तुम सुनो जाको लो। अरे ओ जब भारी है, अरे तुम एक सेकंड रोको, अरे जाको पकड़ो। अरे दादा गो योर स्कूल नियर बाय अवेलेबल गो। अरे जाओ यार, अब क्या उंगली पकड़ के क्लासरूम में छोड़ के आऊं, प्रिंसिपल रूम में छोड़ के आऊं? अरे उतर रहा हूं ना, मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं है क्या? ऐसे बटन दबाते ही नीचे उतर जाऊंगा। समझ गए हे, ले पकड़ ट्रिपिंग में ये वो। ए दादा उतर यार, उतर गया इतने गया। यू बोथ आर एक नंबर के लेजी किडोस, 10 स्टेप फार फ्रॉम योर होम एंड योर स्कूल बट नो कमिंग वॉकिंग वॉकिंग, यू आर कमिंग जस्ट विद मी, तुम्हें तो मेरे साथ आना, फ्री की सवारी मिल गई है, फ्री की चिड्डी खानी है, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो यार। Why you looking at me? You are eating on me, huh? You are climbing on head day by day. शर्म आनी चाहिए। कल से you are coming alone. Otherwise come your dad. No coming with me. Go your school. Go your class. शकल क्या देख रहे हो? जाओ यार, लेट हो रहे हो। और तिवारी कमलेश भैया कुछ ज्यादा ही लेक्चर सुना के नहीं चले गए? सही बोल रहे ऋतिक, तू ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गए हैं, ज्यादा ही पंख आ गए। अब तू बता, अगर मम्मी पापा हमें ना छूने आती तो जा में हम लोगों की क्या गलती है? कुछ ज्यादा ही बोल दिया भैया ने। एक काम करते, देख केट दीदी तो है नहीं, बाहर गई है तो इनको कोई बचा भी नहीं सकता, रगड़ देते कमलेश भैया को ना, रगड़ देते एकदम। उनको रगड़ में साबुन लगा दूं और इनकी सारी हीरो पंती निकाल देंगे। हीरो से जीरो। ए वो देख विमला का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। चल आजा मन्ना, मास्टर जी रगड़ डालेंगे हमें। मैं कम इन सर। कम इन Sit down. सर आपने मुझे बुलाया? हाँ तो मैं ही आपको बुलाऊंगा ना, आप थोड़ी मुझे बुलाएंगे। मिस्टर ऋतिक सिंह क्लास 4 एफ। हमारे स्कूल में एफ तक है क्या? सर आपका स्कूल है, आपको नहीं पता, एच तक है। अच्छा ठीक है, जो भी हो मिस्टर ऋतिक, आपके नाम पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। कंप्लेंट्स? कौन कर रहा है मेरी कंप्लेंट? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी जाके उसे पिटोगे जिसने कंप्लेंट किया। मुझे ऐसा सुनने में आया कि तुम अपने स्कूल में गैंग चला रहे हो, कुछ बदमाश बच्चों के साथ मिलकर बाकी बच्चों को परेशान कर रहे हो।
Is it true, Mr. Hrithik? No, sir. That is not true. मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? आपको लगता है? बिल्कुल लगता है. और सिर्फ लगता ही नहीं है, मैं जानता हूँ, पक्का यकीन है. तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. सारे टीचर्स तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं आजकल. सर सारे नहीं, आप झूठ मत बोलो. मुझे पता है, सिर्फ दो ही टीचर ये काम कर सकती है, साइंस की और मैथ्स की. ऐसा क्यों? अरे क्योंकि वो मुझसे जलते हैं. वो क्यों जलेंगे भला तुमसे? हाँ क्यों जलेंगे वो? अरे टीचर्स लव्स द स्टूडेंट्स, प्यार करते हैं तुम लोगों से. लेकिन सर वो मुझसे नहीं करते ना. देखो मैं समझाता हूँ वो मुझसे क्यों जलते हैं. क्योंकि जो मेरे गैंग वाले हैं वो उनसे, वो मैथ्स की और जो साइंस की टीचर है उनसे कोचिंग लेते हैं, तो इसलिए वो लोग मुझसे जलते हैं. क्योंकि मैं तो अपने आप पढ़ता हूँ ना घर पे बैठ के, और अच्छे नंबर लाता हूँ. पिछली बार मेरे को 60 आए थे. बकवास कर रहे हो तुम, खुद को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोले जा रहे हो. नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपकी कसम खा सकता हूँ, आपकी कसम. शट अप, जस्ट शट अप. कल तुम अपने पिताजी के साथ स्कूल आओगे और मैं उन्हीं से बात करूंगा. हर बार छोड़ दिए जाते हो तुम, इस बार नहीं छोड़े जाओगे मिस्टर ऋतिक. मैं जरूर बात करूंगा उनसे, कल लेके आना. बेटा ऋतिक कुछ कर, अगर पापा यहाँ आ गए तो तेरी बैंड बजा दी जाएगी. क्या सोच रहे हो? सर पापा कैसे आएंगे? आएंगे कैसे मतलब? चल के आएंगे, दौड़ के आएंगे, सीढ़ी चढ़ के आएंगे बस. लेकिन सर चल ही तो नहीं सकते. मतलब? मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बता देता हूँ. पता है एक महीने से बेड पे से नहीं उठ पाए वो. बेटा बेटा ऋतिक क्या हुआ? बेटा ऋतिक पानी. गले के अंदर नहीं था रहा सर. थोड़ा विस्तार से बताओ क्या हुआ. क्या विस्तार से? मैं बताता हूँ आपको. आप इमेजिन करो कि ये मेरे पापा हैं, ठीक है? पापा घर से सच सवर के थाने जा रहे थे. पापा ऐसे जा रहे थे और बीच में खंभा आ गया, उनकी गाड़ी ऐसे लड़खड़ाई और पापा उड़ के खड्डे में गिर गए. उनके हाथ पांव सब, मतलब पूरा बॉडी टक्चर पूरा टूट गया. टूट 26 स्टिचेस आए सर. स्टिचेस? बेटा स्टिचेस. कल तक कोमा में थे, कल रात को ही फुल स्टॉप लग गया. नहीं बेटा ऐसा वो. फुल स्टॉप लग गया. भगवान? नहीं नहीं नहीं, भगवान के पास नहीं गए, अभी टाइम है. अभी तो बस कोमा से बाहर निकले हैं. मैं क्या बताऊं सर, मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ. चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेबल हो गए हैं इसके जैसे. ये देखो ये चल पा रहा है, नहीं चल पा रहे, खट्टे में गिर गए. I can understand your pain, बेटा. But my child, God पे भरोसा रखो, वो सब अच्छा कर देगा. अब तो सब उसके ऊपर है. हाँ बेटा, जाओ अपने क्लास में जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा. बाय सर. इधर आओ बेटा. बाय सर. इधर आओ. अपने पापा को कुछ मत बताना बेटा. हाँ बहुत तकलीफ में है ना. 26 टीचर्स. हाँ 26 टीचर्स. टीचर्स टीचर्स. जाने जे घर कैसो बनो है, पूरा हवा महल जैसे बनो है. हर जगह से हवा आए के पूरा घर गंदा हो जाते. कितो काम करती है हमारी नौनौ ठैया बच्चन की अम्मा. कहाँ है तुम
तुम हर जगह शुरू हो जाते हो, चलो हटो। तुम शुरू कहाँ होने देती, बस पहले ही मना कर देती। बड़े मस्ती आ रहे हो, 11 बज गए, थाने नहीं जाए हो? हम सोच रहे रज्जो आज छुट्टी ले लें, तुम्हारे साथ पूरे दिन गप्पे लड़ाएं। हाँ, घर में बैठ के हमारे गुर्दे तुम लाल करो, है ना? बस हमें यही से तो दिक्कत है, हम सारू इतने प्यार कर रहे, तुम्हारे गुर्दा लाल हो रहे, यही खिलाने प्यार करो तुमने हमसे। तुम्हारी बहुत दिक्कत है, प्यार करो तो आफत, ना करो तो आफत, तुरंत ताने सोचो। अब हम प्यार कर रहे थे, गुर्दा लाल हो जाए, जो हो जाए, घुइया हो जाए। तुम्हारी टाइप की औरत हम समझ नहीं सकते हैं, कैसी औरत है जो? कैसे समझ रहे हो तुम, ना समझो, हमें बहुत काम है, चलो। तो हमें तो बिल्कुल ना है काम, हम तो फ्री हैंगे। फ्री हो मतलब का चिपक ही जाए हो, हटो ते। अभी कोई देख लिया अम्मा आए जाए, तुम तुम्हें शर्म ना है, हमें बहुत शर्म है, चलो हटो। पूरा मोहल्ला है, जो खुलो आंगन है, तुम क्या कर रहे हैं? कछु ना कर रहे हैं, हम तो फुर्सतिया बैठी, हमारे पास कौनो काम ना है, आओ चलें गप्पे लड़ाएं। जी दोनों को देखो, नौ नौ ठैया हो गए, फिर भी ऐसो इसका भूत सवार हो रहा है, कितने भी शुरू हो जाते हैं, कोई शर्म लिहाज ना है, बेशरम काई के। हम एक बात बताएं, फुर्सत हो ना तो चलो वो खेले स्टेपू। दोन सारू हम खेल बता रहे, बा में कौन इंटरेस्ट ना है, अपन स्टेपू यही करत रहियो, तुम जिया के लाने तो पूरी उम्र डरी, बुढ़ापे में खेला है, हमारे खेल में ध्यान दो। अरे बहुत मजा आये, तुम आओ, हमें ना जाने। अरे तुम आओ। अरे यार तुम जो देखो, हम बता रहे जो कौन टाइम है, इतने मुंह बंद करके खड़े हो जाओ। अरे कितने काम आते, अब जो खेल लो, जो औरत अलग टाइप की है। देखो का देखे, जो खाने बने उन्हें देख, ये छोड़ो, जो बताओ खाने में आज का बनो जो हम अपने मुंह में डालें। घुइया खा ले, ये देखो देखो। अरे देख रहे यार, ले गुट्टी टूट गई। आओ चलो गुट्टी उठाओ, खेलो चलो। अरे यार तुम यही कामन में लगा देती, हमारी छुट्टी को सत्यानाश हो जाता है। अब्बा वाले में डार रही तुम, आइए। दरोगा हप्पू सिंह, इतनैया चले गए, छुट्टी है उनकी, भग गए घर छोड़ के, सारे सवेरे सवेरे आ जाते हैं खोपड़ी खाने को है। जो कब हम पहले आओ हुए कहते हैं, कब बीमा वाले हो का तुम? नमस्ते। 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 बच्चन के प्रिंसिपल है। अभी तो हम तो दरोगा हैं। अरे सर सॉरी सॉरी, वो अरे जी हम फालतू मन के कामन में लगा देती, सॉरी सॉरी, हमने पहचानू ना, असल में अब बहुत टाइम बाद, आओ अंदर चाय। सर आप हाल में बैठिए, हम चाय बना के लाए रहे जी, जी। चाय बड़ी, सुनो अदरक डाल दो, बढ़िया। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया टाइम पे आए, हमने खुद ना पी अभी तक, आओ सर पंखा में बैठ के बात कर। आइए। हाउ हाउ, हम रितिक के खुद पापा हैं, आप कछु कंफ्यूज लग रहे हो। नहीं वो हम ही हैं। ठीक है आप आओ फिर पंखा के नीचे। हाँ। आओ आओ जी जी आओ अंदर आराम से। हाँ हम तो आराम ही से हैं, आप आराम से आओ बैठो। अम्मा हाउ हाउ, अरे देखो बैठो सर बैठो। जी जी देखो कौन आए, प्रिंसिपल साहब ऋतिक और रणवीर के। अरे अरे नमस्ते माँ साहब। नमस्ते नमस्ते माता जी। आओ कैसे हैं, ठीक है? हाँ बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हपुआ बहू से कहो माँ साहब लाने चाय और नाश्ता ले आए। पहले ही होशियार आंगन में ही पूछ ली थी, बनान गई, अबे आ रहा हूँ चाय नाश्ता। वैसे सिंह साहब आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा? नहीं छोटी बात कर रहे, काहे को कष्ट, इतना तो चलते है सर। आओ आओ। वाह क्या बात है सिंह साहब, मानना पड़ेगा आपको, बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं आप। बस उनकी कृपा है दादा। नहीं नहीं बात वो नहीं है, बात यह है कि बाहर जब मैंने आपको अभी देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, माता जी स्टेपू खेल रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये स्टेपू भी खेल सकते हैं। अरे दादा हम तो कबड्डी खेल ले और चार छह को ऐसी पछाड़ दें। अरे आप तो मां साहब खेल कूद के मामले में हमाऊ हप्पुआ ना सबसे आगे शुरू से ही। अरे कोई खेल का नाम ले लो आप, कितने भी चले जाओ कभी खाली हाथ ना आओ,
ऐसा कुछ ना कुछ रुपए जीत के ही आओ है। चुप कर दो रुपये। संजय ना बोले। ठीक है, ये तो अम्मा है। माता जी, रुपए नहीं, इनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इनकी इच्छा शक्ति जो है ना, ऐसा इच्छा शक्ति वाला इंसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपके इस जज्बे के लिए तो मेरा सलाम। सलाम करता हूँ मैं। अम्मा, हमें जी तुम्हारी बिरादरी की लग रहे, तुम रात में टिका दी जो दिन में टिका के आ गो, फालतू में सलाम कर रहे हो। जे चाय नाश्ता लीजिए, बातें तो होती रहे। अम्मा जी तुम्हारी कम चीनी वाली। ले अम्मा, बिना चीनी वाली। सिंह साहब। हाँ हाँ। आपका इम्यून सिस्टम काफी तगड़ा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, आप बहुत जल्दी ठीक हो गए। हम जल्दी ठीक हो गए मतलब? सर हम कभी बीमार थे? हम तो कब हूँ? हाँ, दो महीना से अब हम बिल्कुल चकाचक चल रहे। बीच में थोड़ी मामलों में ढीलो ढीलो बहुत, वो तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हमने वो भी बड़े फास्ट फास्ट रिकवर है भाई। एक हफ्ता में सर चकाचक, और बाकी अब तो हैं चकाचक। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका बेटा तो कह रहा था कि आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक टाइप, हमें ऐसा करके भी दिखाया, 26 स्टिचेस लगे, टांके लगे हैं आपको 26, पता नहीं कहाँ कहाँ।